हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? नया साल 2020 आप सबको मुबारक हो। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। इस 2020 में मैं चाहूंगा कि आप प्रॉपर तरीके से अपने मंजिल की तरफ एक कदम और आगे बढ़े या अपनी मंजिल को पाए। 2019 में जो कुछ भी हम लोगों ने गलतियां की, उन गलतियों को दूर करते हुए 2020 में एक नए तरीके से हम लोग अपना लाइफ की शुरुआत करें। बहुत ज्यादा हम एक्सपेक्टेशन किसी चीज से ना रखें, ना अपने आप से, ना किसी और से। ज्यादा सोचे नहीं, सोचने से फायदा नहीं होता, करने से फायदा होता है। गोल हम फिक्स करें कि हमें ये करना है, बट बार बार कॉन्टिन्यूस हम गोल पे ना सोचे। गोल के बजाय जो हमारा एक्टिविटी है, जो हमें रूटीन में जो वर्क करना होता है, हम उस पर ज्यादा ध्यान दें। अपने रूटीन में ज्यादा फ्लक्चुएशन लेकर ना आए। रूटीन आपका बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक बैलेंस अप्रोच के साथ चले। मैं यही चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि आप 2020 में अपने जो सबसे पूज्य आपके मम्मी पापा हैं, आप उनके उनको जो रिस्पेक्ट देते हैं, आप उसमें और बढ़ाएं, उनका आदर करें, उनका सम्मान करें, और हमेशा अपने लाइफ में कुछ भी ऐसा काम ना करें जिससे कि आपके पेरेंट्स यानी कि मम्मी पापा को किसी तरीके से परेशानी हो। मैं जानता हूँ आप बहुत समझदार हैं और आप इन चीजों को ऑलरेडी आप करते भी हैं। मेरे कहने का सिर्फ मतलब है कि आपसे बड़ा हूँ तो शायद ये चीज आप अगर ना करते हो या थोड़ा सा कम करते हो तो आप इसकी शुरुआत करें। 2020 मम्मी पापा के आशीर्वाद के साथ शुरू होगा और हम लोग अपने जो चैलेंजेस हैं लाइफ में आने वाले, उसको प्रॉपर तरीके से एंजॉय करते हुए हम आगे बढ़े। टेंशन नहीं लेना है लाइफ में। टेंशन लेने से लाइफ में एक्स्ट्रा टेंशन लेने से लाइफ में एक्सट्रीम टेंशन लेने से लाइफ खराब हो जाती है। तो हम गोल को फिक्स करेंगे, गोल की तरफ आगे बढ़ेंगे। गोल पे ज्यादा सोचने के बजाय हम उसके लिए जो एक्टिविटी किया जाता है उसको कॉन्टिन्यूस प्रॉपर तरीके से करेंगे। मुझे पता है जो भी कमियां हमें नजर आती है अपने अंदर में, हम उसको दूर करेंगे और फिर लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। हमें अल्टीमेट सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। सभी लोगों के सपनों को हमें पूरा नहीं करना, सभी लोगों को हमें खुश नहीं करना। खुश अपने आप को करना है, अपने मम्मी पापा को करना है और अपने सपने पूरे करने हैं। बस इसी चीज के साथ आप आगे बढ़े। मुझे पता है आप बहुत 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 अच्छे बच्चे हैं और लाइफ में बहुत कुछ आगे करने वाले हैं। दूसरों को देखकर हमारे अंदर में कोई ईर्ष्या ना हो, कोई कंपटीशन ना हो, दूसरों को देख के अपने आप को देखो। हमने अगर अपने आप को 1% भी आगे किया तो हमने एक अच्छा इंप्रूवमेंट किया हुआ है, एक अच्छा हमने सक्सेस को पाया हुआ है। हम किसी से कंपटीशन नहीं करेंगे, अपने आप से कंपटीशन होना चाहिए। दिमाग को शांत रखेंगे, मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे। ये सारी चीजें हम 2020 में करने वाले हैं। मेरे बच्चे, आप लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशन से, आपके सहयोग से मैंने 2019 में बहुत कुछ किया। मैंने 2019 में लगभग 1,00,000 हम लोगों ने सब्सक्राइबर ऐड किए, यानी कि आपको अपने साथ ऐड किया। हमने पिछले 2019 में लगभग पूरे इंडिया में, इंडिया से बाहर भी लगभग 10,000 प्लस स्टूडेंट्स को हमने पढ़ाया। ये आप लोगों का फेथ है जिसको कि मैंने मेंटेन किया हुआ है और मैं पूरी कोशिश करूंगा, फुल डेडिकेशन के साथ इसको और भी आगे मेंटेन करूं। मैंने अपने 2020 में एक अपना टारगेट रखा है कि जो क्वालिटी एजुकेशन हम लोग कॉमर्स के अंदर दे रहे हैं, उसी एजुकेशन को लोअर क्लास में, 5 क्लास से लेकर 12 क्लास में जो बाकी स्ट्रीम के बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, हम उनके ऊपर में भी काम करेंगे। और अल्टीमेट मोटिव है कि अपने इंडिया को एजुकेट करना, इनको बहुत आगे लेकर आना और लो कॉस्ट में अच्छे से अच्छी क्वालिटी के ऑफ एजुकेशन को प्रोवाइड कराना। गांव-गांव में, शहर-शहर में, जहां भी हम पहुंच सकते हैं वहां पे पहुंचेंगे और आपको यानी कि हम अपने बच्चों को एजुकेट करेंगे। चलो एक बार फिर से हम आगे बढ़ते हैं। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। आप बहुत आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े। अगर मेरा थोड़ा भी कॉन्ट्रीब्यूशन आपके लाइफ में है तो आप उस चीज को, आप जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, खासकर अपने मम्मी पापा को लेकर, आप उसको पूरा करेंगे और लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। टेंशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लाइफ बहुत अच्छी है एंजॉय करने के लिए और जिस फेज में आप हैं वहां तो और भी एंजॉय करना चाहिए। आप उसको आगे बढ़ाए बच्चे। आप सबको अगेन हैप्पी न्यू ईयर, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू बच्चों। थैंक यू, थैंक्स फॉर द सपोर्ट। थैंक यू। सी ओ सी टीम की तरफ।